जय हिंद। मेरे एक फेसबुक फ्रेंड है मोहम्मद हसन जी, और वो बोला था माइग्रेन के बारे में, जरा सा कुछ घरेलू रूप से बताया जाए। माइग्रेन देखिए होता क्या है, हेडेक दोनों साइड में यहाँ पर, या एक साइड में, या इस साइड से यहाँ तक बहुत तेज पेन होता है, और ये ऐसा पेन होता है जो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। अगर ये प्राइमरी में है तो हल्का फुल्का रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे जो जो आगे बढ़ता जाता है तो बहुत ही पेनफुल होता है। देखिए ये होता क्यों है जनरली, देखिए सबसे बड़ा जो कारण है इसमें स्ट्रेस भी है, खान पान भी, और फैमिली फैमिली में अगर किसी को है तो ये में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके हो जाए। लेकिन मेन मुख्य बात करते हैं घरेलू नुस्खे के बारे में, और मैं एक ऑपरेशन बताते हैं। घरेलू नुस्खे में अगर आप अदरक अदरक का सेवन करते हैं तो उससे माइग्रेन काफ़ी हद तक उससे आपको कम हो जाएगा। या आइस ले लें आप, उसको कपड़े में, जैसे ये है आपका ये तौलिया, इसमें यहाँ रख करके जहाँ पे पेन हो रहा है, तो जो ये जो रग होती है यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी हो रहा हो, इसको रखें तो उसमें सूजन आती है जो आपके नसों में, वो कम हो जाएगी। इस बारे में रखा। लेकिन कुछ चीज़ें हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि अदरक के साथ साथ आप जो है बादाम, रोगन बादाम जो आता है मेडिकल स्टोर से ले लें, दो दो बूंद आप दोनों जो मतलब यहाँ जो नाक में डालते थे आराम से पीछे लेटे, और आप 5 मिनट के अंदर पाएंगे कि माइग्रेन का पेन एकदम खत्म हो जाएगा। इतना इफेक्टिव है। हमारे एक दो लोगों को जानने वाले में हुआ था पेन, तो उनको मैंने रोगन बादाम दिया, उससे काफ़ी उसको रिलीफ हुआ। देखिए क्या होता है कि अगर आप कोई ठंडी चीज़ है ना यहाँ लगा देते हो, अगर तो शिकायत कर लेते हैं तो सारा मिले। अब मैं आपको बताता हूँ कि, और इसमें जो होता है कि मौसम चेंजेस के होने से ऐसा हो सकता है, स्ट्रेस ज़्यादा हो, डिप्रेशन हो, इन सब चीज़ होता है। अब मैं आपको एको प्रेशर पॉइंट बताता हूँ, एको प्रेशर पॉइंट में कहाँ पर होता है। देखिए ये चीज़ होती है ना आपकी, ये चीज़ इसको यहाँ पे ऐसे दबाएं, छोड़े, दबाएं, छोड़े, दबाएं, छोड़े, और होल्ड किया रहे इसको, और ये जो आपकी ये जो फिंगर है आपकी, इससे यहाँ पर ये देखिए, ये एक प्रेशर पॉइंट है यहाँ पर, इसको तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हल्के हल्के जो मसाज करें ऐसे, इससे भी माइग्रेन में काफ़ी आराम मिलेगा। और जो ये पॉइंट होता है आपकी एब्रो, एब्रो के ये पार्ट होता है, इसको ऐसे ऐसे हल्के 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 प्रेस करें, और ये यहाँ पे आपको क्या अंदर जैसे यहाँ पर ये पॉइंट होता है, इसको है दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें, और एक आखिरी पॉइंट है ये यहाँ पर ऐसे करें, इसको प्रेस करें छोड़ दें, प्रेस करें छोड़ दें, इसको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कुछ घरेलू उपाय थे, आप इसको आराम से देखिएगा, आपने जो रिकमेंड किया था, माइग्रेन का कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आप ठीक हो जाएगा। बस खान पान पे ये खास तौर पर ध्यान रखिए, ऑयली चीज़ों को बहुत कम कर दीजिए और स्पाइसी चीज़ों को कम कर दीजिए। अगर कोई आदमी एल्कोहलिक है तो एल्कोहल बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जब देखिए लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है, तो जब लीवर डैमेज हो जाता है ना, उसके बाद बहुत सी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इतना उपाय, घरेलू उपाय जो मैंने बताया इसको कीजिए, और होपफुली आपका माइग्रेन काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा, और ऐसी आशा करते हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी।